मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे आयनन विभव के संबंध में। कल हमने आयनन विभव के बारे में बात की थी कि आयनन विभव की अवधारणा यानी उसकी परिभाषा क्या है, आयनन विभव को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, और बात हमने की थी कि आयनन विभव का जो है प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से निर्धारण किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं आयनन विभव की जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में है, उसमें किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती है। तो हम सबसे पूर्व में बात करते हैं वर्ग में। हम सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर दो प्रकार से जो है हम बात करते हैं, एक होता है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स जिनको हम जो है पीरियड्स कहते हैं, और एक होता है वर्टिकल लाइन जिसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के अंदर जो तत्व हैं उनमें उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। तो आवर्त सारणी में वर्ग में जो है वो किस प्रकार से वितरण होगा, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में यदि ऊपर से हम नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसमें एक एक कोश जो है वो बढ़ता जाता है, मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर एक नया शेल जो है वो ऐड हो जाता है, जिससे उनकी जो परमाणुवीय त्रिज्याएं हैं उसके मान जो है वो कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि बढ़ते जाते हैं। यद्यपि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है लेकिन परमाणुवीय त्रिज्या के मान में जो वृद्धि होती है वो अधिक होती है। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उस पर जो नाभिकीय आकर्षण जो है उसका प्रभाव कम होता जाता है, और हम जानते हैं कि बाहर की ओर जो स्थित इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कक्ष में जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिकीय आकर्षण के प्रभाव के कम होने के कारण ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव के जो मान है उसमें कमी होती जाती है। अब यहां हम जो पांच तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनका जो कि एक वर्ग के सदस्य हैं, इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो हम यहां पर देख सकते हैं, जो कि हम देखते हैं कि बोरॉन से एल्यूमिनियम में तो कम हो रही है लेकिन गैलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है और इंडियम से भी ज़्यादा है। और थैलियम जो है यहाँ पर भी हमें एक अपवाद स्वरूप दिखता है कि यहाँ पर भी थैलियम का भी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंडियम से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यूज़ में, जैसा हम बात कर रहे हैं एक वर्ग में, यहाँ पर हमें कुछ एनोमोलिटी नज़र आती है। तो हम क्या कहते हैं कि गैलियम का जो आयनन विभव है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक है, जबकि थैलियम का इंडियम से जो है काफ़ी अधिक होता है। इसका कारण यह है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम के बीच जो है वो केवल 8 तत्व होते हैं, मतलब बोरॉन से एल्यूमिनियम के बीच में जो है बीच में इंटरवीनिंग जो है वो केवल 8 तत्व होते हैं, अतः इसके नाभिकीय आवेश में 8 प्रोटोनों की वृद्धि होती है, जबकि एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में 8 तत्व प्लस हम 10 संक्रमण तत्वों को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर 18 तत्व जो है वो होते हैं। तो नेचुरल है कि नाभिकीय आवेश जो है उसमें 18 प्रोटोन की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए हम देखेंगे कि आयनन विभव के मान जो है वो गैलियम का अपेक्षा से अधिक होता है। इसी प्रकार से इंडियम और थैलियम के मध्य में हम क्या देखते हैं, 14 एलिमेंट्स जो हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, तो 14 एलिमेंट्स प्लस 18 एलिमेंट्स मिला के कुल मिलाकर हो गए 32 एलिमेंट्स, यानी 32 तत्व जो है उनके बीच में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 32 नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि जो होती है इस कारण से जो साइज़ है परमाणु का वो छोटा हो जाता है,
और आयनन विभव का मान जो है वो हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो अपेक्षा कर रहे हैं उससे जो है वो काफ़ी अधिक होता है। तो इस तरह से आवर्त सारणी के वर्ग में हम देखते हैं कि बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जिसको हम उन एक्सेप्शंस को उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और जो उसका एटॉमिक साइज है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवर्त के संदर्भ में। तो देखिए आवर्त सारणी में एक आवर्त में यदि हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का बाह्यतम कोश तो वही रहता है लेकिन नाभिकीय आवेश की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है। यानी कि कक्ष वही रहेगा लेकिन नाभिकीय आवेश जो है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो उन दोनों का इफेक्ट क्या होता है, फलस्वरूप जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो नाभिकीय आकर्षण जो है ऊपर जो उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन पर जो है वो बढ़ता जाता है जिससे उनको निकालने के लिए क्या होता है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, अर्थात आयनन विभव का मान जो होता है वो उच्च हो जाता है। अतः एक आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने से आयनन विभव के मान जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का उल्टा है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव के मान में कमी आती है जबकि एक आवर्त में हम बाईं ओर से जब दाईं ओर जाते हैं तो उसके मान में जो होता है वो वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हम दो बातें और देख सकते हैं विशेष रूप से कि बेरिलियम और नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि बेरिलियम में और एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो नाइट्रोजन के अंदर किस प्रकार से आयनन विभव के मान में हम वृद्धि देखते हैं। तो आवर्त में यदि हम बाएं से दाईं ओर जाएं तो हम क्या देखते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का बाह्यतम बेरिलियम और नाइट्रोजन के अंदर हम क्या देखते हैं कि आयनन विभव के मान जो होते हैं वो अपेक्षा से बहुत अधिक हैं क्योंकि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2s2 होता है, अतः इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और जबकि हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये 2s2 2p3 होता है। यहाँ पर जो पी कक्षक है वो अर्ध रूप से भरा हुआ है, यानी पी का जो कम्प्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अब इस स्टेबल इस स्थाई वाले कॉन्फ़िगरेशन में विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए इसके आयनन विभव का मान जो होता है वो अधिक होता है। किसी आवर्त में जो क्षार धातुएं होती हैं जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनके आयनन विभव का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है और उसके लास्ट में जो हम उत्कृष्ट गैसें होती हैं नोबल गैसेस होती हैं उनके आयनन विभव का मान जो होता है वो उच्चतम होता है। इसी तरह से आवर्त सारणी में जो संक्रमण तत्व होते हैं हम उनमें क्या देखते हैं कि संक्रमण धातुओं के आकार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं, इसलिए हम क्या देखते हैं कि संक्रमण धातुओं के आयनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू में अधिक अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर किसी आवर्त किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या विद्युत धनात्मकता कहते हैं। जिस तत्व के आयनन विभव का मान कम होता है उसके इलेक्ट्रॉन उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाते हैं, अर्थात उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है और वो तत्व जो होता है वो प्रबल धन विद्युती तत्व होता है। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो धन जो विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को जो है वो दर्शाती है, वो उसकी मेजर है। एक आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है अतः विद्युत धनात्मकता जो होती है वो कम होती जाती है और एक वर्ग में आयनन विभव का मान कम होता है इसलिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो
नीचे हम जाते हैं तो बढ़ती जाती है। फिर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर, यानी कि रासायनिक व्यवहार की जो व्याख्या है उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियाशीलता जो है, कम आयनन विभव वाले तत्व जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, जबकि उच्च आयनन विभव वाले तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। अतः क्षार धातुएं जो होती हैं वो अत्यंत क्रियाशील हैं, जबकि उच्च आयनन विभव के कारण उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो अक्रिय, अत्यंत ही अक्रिय होती हैं। दूसरा है अपचायक गुण के संदर्भ में, कम आयनन विभव वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, अतः क्या है ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। तीसरा जो है वो गुण है वो है धात्विक गुणों के संदर्भ में, कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण कम आयनन विभव वाले तत्वों की प्रकृति जो है वो धात्विक होती है। आयनिक विभव का मान बढ़ने से तत्वों में धात्विक गुण जो होते हैं वो कम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं ओर के जो जितने भी तत्व हैं, क्योंकि उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है इसलिए वो अधिक धात्विक होते हैं, और दाईं ओर के तत्व जो होते हैं वो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है तो इसलिए वो अधात्विक होते हैं। इसी कारण से आवर्त सारणी में बाएँ हाथ की ओर धात्विक और दाएँ ओर के तत्व अधात्विक होते हैं, और उनकी जो सीमा रेखा होती है उस पर उपधात्विक तत्व होते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक सीढ़ी बीच में से निकलती है जो ये दर्शाती है कि बाईं ओर के तत्व जो होते हैं वो धात्विक हैं और दाईं ओर के जो तत्व होते हैं वो अधात्विक हैं। तो इस तरह से रासायनिक व्यवहार की व्याख्या जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर की जा सकती है। फिर हम आगे लेते हैं, आयनन विभव के मानों में से किसी तत्व द्वारा किस प्रकार का बंध बनाया जाएगा इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि कौन सा बंध वो बनाएगा। उदाहरण स्वरूप क्षार धातुओं के लिए आयनन विभव का मान अत्यंत ही कम होता है, अतः उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति अत्यंत ही प्रबल होती है। अतः लिथियम के अपवाद को छोड़कर बाकी सभी क्षार धातुएँ केवल आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। तो हम मतलब कौन सा तत्व कैसा यौगिक बनाएगा उसके संदर्भ में भी हम इसके द्वारा बता सकते हैं। फिर अगला है यौगिक बनाने की संभावना के संदर्भ में, आयनन विभव के मान के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किन यौगिकों के बनने की संभावना है और किन यौगिकों के बनने की संभावना नहीं है। उदाहरण स्वरूप सोडियम के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत ही अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, सोडियम का परमाणु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बड़ी आसानी से सोडियम प्लस आयन बना लेता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस जो है सोडियम प्लस टू आयन बनाना उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का जो यौगिक है उसमें सोडियम जो होता है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो NaCl का बनना संभव है लेकिन NaCl2 यौगिक का बनना संभव नहीं है। तो इस तरह से यौगिक बनने की जो संभावना है उसके बारे में भी हमें इससे पता लगता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सी अम्ल जैसे कि HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, HNO3, ये सब जो क्या है ये ऑक्सी अम्ल हैं, और अकार्बनिक क्षार जैसे KOH, NaOH, इन दोनों में ही क्या है हम क्या देखते हैं कि OH समूह हैं, लेकिन ऑक्सी अम्ल में ये O- आयन बनाकर प्रोटॉन मुक्त करता है, जबकि क्षारों में ये OH- आयन के रूप में जो है वो मुक्त होता है। इस बात को भी हम जो है वो आयनन विभव के आधार पर समझा सकते हैं। जैसे NaOH की हम बात करते हैं, NaOH एक क्षार है, यहाँ पर सोडियम जो होता है ये एक क्षार धातु है जिसके आयनन विभव का मान बहुत ही कम होता है। तो आयनन विभव का मान कम होने का आशय है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Na+ और OH- बन जाएगा,
यानी सोडियम प्लस और OH माइनस बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ से OH जो है यानी क्षार के रूप में ये मुक्त हो जाएगा और ये एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। जबकि हम दूसरा एग्जांपल देखें CLOH या जिसको अपन HOCl कहते हैं ना, हाइपोक्लोराइड जो है इसके अंदर क्या होता है NO2OH, जैसे HNO3 जिसकी हम बात करते हैं, ये भी एक ऑक्सी अम्ल है। इनके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के बीच में और दूसरा तत्व जैसे हेलोजन है या नाइट्रोजन है उसके बीच में जो बंध है उसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन और हेलोजन जो है इनके आयनन विभव का मान जो होता है वो अधिक होता है, तो इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको मुक्त नहीं करते। और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और H+ आयन को मुक्त करता है, इसलिए क्या होता है कि ये एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये इनकी जो आयनन विभव का मान जो होता है वो अधिक होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, ऐसा इसलिए होता है। और अंत में हम बात करते हैं इसी प्रकार से सोडियम के आयनन विभव का मान मैग्नीशियम से कम होता है लेकिन पोटेशियम से ज़्यादा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि NaOH जो है वो उसका जो क्षार होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो प्रबल होता है लेकिन KOH जो है उससे दुर्बल होता है। तो KOH जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय है, फिर NaOH है और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसा इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव के संबंध में जो अपनी बात है वो की है और ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम कल बात करेंगे जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संदर्भ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।